और है क्या हालचाल है, एक और वीडियो लेके। और गाइज आज के वीडियो में तुम्हें बता दूंगा जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट करा था, ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है, अब किस हिसाब से लास्ट वीडियो, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट मिस करोगे तो तुम मेरे को ही गाली दोगे, तुम सोचोगे ये क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। तो देखो यार, मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे से इंस्पायर है, मतलब मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, जिन्होंने यूट्यूब भी बनाया बहुत लोगों ने, मुझे पता है इस बात का। लेकिन यार टेंशन मत लो, मैं छोड़ के तुम्हें कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने थोड़ा एक डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं बताता हूँ कि वो हो सकता है कि मुझे नुकसान भी दे सकता है और बहुत फ़ायदा भी दे सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने ले लिया है देखो डिसीजन, तो मैं करने यही वाला हूँ जो मैंने सोचा है। अब वो गलत है कि सही है वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखो यार, मैंने ROG लिया था, तो मैंने कभी ये सोच के नहीं लिया कि मैं YouTube से अर्न करके इसके पैसे चुकाऊंगा। मतलब मैंने इसलिए लिया था कि मैं कॉम्पिटेटिव में कुछ आगे कर पाऊँ, नाम हो जाएगा तो आराम से YouTube तो सब चल जाएगा। और कॉम्पिटेटिव में मैंने भाई खूब मेहनत करा, खूब कस्टम्स खेले, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब मुझे पता बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, पबजी बैन नहीं होता तो तू ये वीडियो कभी नहीं बनाता। भाई बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं करके दिखा देता तुम्हें कॉम्पिटेटिव में कुछ, ठीक है। अब बहुत से बंदे ये भी सोच रहे होंगे, करके कुछ नहीं दिखाता, बस कहने को बहाना मिल गया है। भाई तुम जैसा समझते हो तुम्हारे लिए ठीक है ना, बट मेरे लिए मुझे पता, मैंने कॉम्पिटेटिव के लिए लिया था फोन। अब देखो, इसका पैसों पैसों की बात नहीं करते, सीधा बात ये है कि इस चैनल की देखी जाए तो इस चैनल का जो आधार है ना, वो किस पे टिका हुआ है। मुझे देखो महीने के मतलब 1,20,000 के समथिंग व्यूज आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं भाई, हर किसी यूट्यूबर को नहीं मिलते हैं ऐसे शुरुआत में, 10 महीने में, 5 महीने में, जितने भी मतलब मेरा दिन हुआ है, काफ़ी दिन हो गया है, बट इतना व्यूज नहीं आता हर किसी को, लेकिन मुझे खूब व्यूज आ रहा है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन भाई देखा जाए ना तो गेम प्ले वीडियोज़ के हालात कुछ ऐसे है कि भाई गेम प्ले वीडियो मेरे चैनल पर कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम सेल्फिश हो जो कि तुम अपने फायदे के लिए वीडियो देखते हो, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे जैसे सब्सक्राइबर मैं खुद कहता हूँ कि शायद ही किसी और यूट्यूबर को मिले होंगे, भाई मेरी जो ऑडियंस है बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन भाई वो उसी चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी ना, मैं देखो खुद उनके साथ गलत कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, कि मैंने कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाए जैसे कमेंट्री से रिलेटेड और गेमर्स की हेल्प के लिए, गेमर्स के मोटिवेशन के लिए, और मैंने उन वीडियोज में एंड में बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उन लोगों ने उस वजह से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया कि मुझे ये कमेंट्री अच्छी करना सिखाएगा, मेरे अंदर मोटिवेशनल की स्पीच देगा, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाया करेगा, तो इस वजह से लोगों ने मेरे को कर रखा सब्सक्राइब, बहुत सारे लोगों ने, मतलब 4,000 जो सब्सक्राइबर है ना, इनमें लगभग 3,000 ऐसे हैं जो उन्होंने कि इसी कारण से मुझे सब्सक्राइब कराए। अब देखो यार, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है कि मैं ऐसे सब्सक्राइबर लेके और ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जो कि वो देखना ही पसंद नहीं करते हैं। देखा जाए तो उनको गेम प्ले से क्या मतलब यार, उनको तो मतलब उस टॉपिक से है ना जिस टॉपिक के लिए उन्होंने सब्सक्राइब करा है और जिसे देख के सब्सक्राइब करा है, तो वहाँ पे मैं सब्सक्राइबर की कतई गलती नहीं मानता। भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि मैं इतने दिनों से बस समझ नहीं पा रहा था ये बात, अभी मुझे समझ में आई है कि अगर मैं ऐसा कंटेंट तुम्हें देता हूँ जिस कंटेंट में मतलब ये चीज़ें हैं कि तुम्हारी हेल्प के लिए वीडियो बनाऊँ, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाऊँ, यूट्यूब से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ, मतलब यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, गेम टिप्स एंड ट्रिक्स और तुम्हारे अंदर मोटिवेशनल स्पीच की वीडियो, कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए वीडियो बने, उस वीडियो को मेरे चैनल पर खूब देखा जाता है, खूब व्यूज आते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। और अगर मैं यही करूँगा तो मुझे लगता है मेरा पेमेंट आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, तो भाई अब मेरे को पेमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो यार बहुत दिन हो गए और पेमेंट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ, मतलब सही बताऊँ तो आज रिचार्ज खत्म हुआ है, अभी तो ये तक पता नहीं कहाँ से डाल पाऊँगा इसको, मेरे पास कुछ नहीं है भाई अभी, है ना, तो वो सब कर लूँगा मैं एडजस्ट। लेकिन सही बात यह है कि भाई मेरे को करना ही पड़ रहा है। मैं क्या करूँगा कि ये लास्ट वीडियो जो है ना, किस हिसाब से लास्ट वीडियो मैं तुम्हें समझा दूँ, ये मेरा गेमिंग का लास्ट वीडियो है, मतलब गेमर्स बोले तो मैं गेमिंग कंटेंट अब नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए, गेमिंग का मतलब गेम प्ले वीडियो बोले तो गेम प्ले मैं अब तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। जो लोग मेरा गेम प्ले देखने आते थे उनके लिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, मैं इतने दिनों से कह रहा था गेम प्ले लेके आऊँगा, लेकिन भाई अब तुम खुद ही देख लो यार, गेम प्ले डालने से क्या फ़ायदा है, तुमने देख ही लिया, ऑडियंस रिटेंशन मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं है ना। तो गाइज आया तो था मैं देखो गेमिंग के लिए, गेमिंग ही करने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था तो वो ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए देखो कौन कौन सा कंटेंट लाऊंगा, एक तो मोटिवेशनल स्पीच दिया करूंगा, एक तुम्हारे गेम की टिप्स एंड ट्रिक्स लाया करूंगा, एक तुम्हारे लिए यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स लाया करूंगा, मतलब तुम्हारी हेल्प के लिए ही वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले इस चैनल पर। अब देखो इस चैनल पर तो ये वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, और दूसरे चैनल का जो मेरा एक और चैनल है, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मैं रोस्टिंग भी करता हूं, अभी चैनल खोला है, उस चैनल पे देखूं ना भाई मैं तो उस चैनल पे इससे 2-3-4 गुना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, उसमें मेरे सब्सक्राइबर चाहे 200 के समथिंग है लेकिन भाई व्यूज आते हैं 500-600, समझ रहे हो, मतलब व्यूज भी अच्छा आता है। और उसका जब मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ, 3 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, भाई 2.5 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है उस वीडियो पे, तो तुम समझ सकते हो कितना सपोर्ट मिल रहा है उधर। मैं ये नहीं कहता मैं सपोर्ट की तरफ भागता हूँ, लेकिन देखो यार मैंने गलती की थी कि मैंने तुमको ऐसा कॉन्टेंट दिया जिस कॉन्टेंट के लिए तुमने सब्सक्राइब तो कर लिया,
बट मैंने फिर तुमको वो देना ही बंद कर दिया। अभी मेरी ही गलती है, तुम्हारी नहीं है। ऑडियंस मेरी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत अच्छी है। एंड गाइज, जो मेरा गेम प्ले देखने आते थे उनको लिए मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई और भी गेम प्ले लोग डालते हैं उन्हें देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और गाइज जब बात करते हैं मैं इस चैनल पर क्या डालूंगा, वो तो मैंने बता ही दिया है, कोई दिक्कत की ऐसी बात ही नहीं है कि मैंने कोई चीज़ छुपाई हो, तुमसे सब कुछ बता दिया है ना। लेकिन अब बात कर लेते कुछ छोटे यूजर्स की, जो मेरे जैसा छोटा यूजर ही मान लो भाई मेरे को भी है ना, मतलब छोटा यूट्यूबर ही। बहुत लोग क्या करते हैं ना जिनका मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, लोग पता है कहाँ से जज करते हैं कि यह कैसा खेलता है। लोग इससे जज नहीं करते कि इसके पास स्किल्स कितनी है, लोग बस जज करते हैं कि भाई मैं देखो सारे यूट्यूबर्स के लिए ये स्पीच दे रहा हूँ इसी वीडियो के एंड में, जिसको अच्छी लगे देख लो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है ना। मैं जो छोटे यूट्यूबर है ना, जैसे 5,000-10,000 जिनके सब्सक्राइबर है, किसी का 2-3 हज़ार है, किसी का बन के भी नहीं हुआ है, किसी का 500 है, किसी का अभी स्टार्ट ही करा है, तो देखो उन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है स्टार्टिंग में? क्योंकि लोग तुम्हारे चैनल पे आएंगे, देखेंगे इसका कितना मिलियन सब्सक्राइबर है। लोगों के पता है दिमाग में क्या चीज़ बनी हुई है, लोग क्या सोचते हैं जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, जिसका 100 के सब्सक्राइबर नहीं है ना, वो तो यूट्यूबर ही नहीं है, वो तो बस फेक ऐसे ही वीडियो बनाता है। सही बताओ ना, तो अगर कोई छोटा यूट्यूबर किसी बॉट को भी मार के अपने गेम प्ले में दिखा देता है तो उसे कॉमेंट चला जाता है, भाई तू बॉट मार रहा है। और मैंने ऐसे यूट्यूबर देखे जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है। कल ही मैंने एक का वीडियो देखा था, मतलब कल ही, मैं रोज़ देखता हूँ भाई, किसी ना किसी का मुझे होम पेज पर आ जाता है, मैं देख लेता हूँ भाई। मतलब उनके जो साथी होते हैं ना टीममेट, वो खेलते हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड, मतलब वो जो दूसरा साथी होता है यूट्यूबर भाई का, वो एक बॉट भी आएगा ना उसे मारने के लिए, उसके लिए छोड़ेगा जो बंदा कॉन्टेंट बना रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार देखा है भाई। और लोग उनके कमेंट में जाके कहेंगे भाई तुम पे रो, तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास ये है। सही बताओ ना भाई। तो देखो कहने को तुम सोच रहे होंगे तुम एक बार हर बार PMIS को बीच में क्यों लाते हो, भाई सही बताओ ना, तो एक बार सबने रजिस्ट्रेशन करे थे ये लोगों ने, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, अगेन किसी का 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर है, उन्होंने सबने रजिस्टर करे थे, क्या हुआ भाई, वहाँ क्यों नहीं दिखाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब ये एक गेम प्ले में भाई 30 किल अकेले कर सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं स्किल्स काम आई इनकी, जब ये स्क्वाड के साथ खेल रहे थे, क्या हो गया था उस दिन? मतलब उस दिन करते ना 30-35 किल जो कि कुछ नाम होता, कुछ काम होता, उस दिन तो पूरा टट्टी हक्के आ गए भाई सब। नहीं कहते हो ना, तो हम छोटे यूजर हैं, मैं नूब हूँ, कहते हो ना तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में बहुत लोगों के चलती है ये बात, तुम नूब हो, तुम ये हो, तुम छोटे यूट्यूबर हो तो नूब हो। अबे सही बात बताऊँ ना, तो सबसे बड़ा प्रो इंसान वही होता है जो स्क्वाड के साथ खेल के 10-15 किल निकाल ले। कभी खेल के देख लियो अच्छी स्क्वाड के साथ, पता चल जाएगा कैसे किल मिलते हैं, ठीक है। ये लोग कहते रहते ना तुमको किल नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, और ये जो होते हैं ना सोलो वर्स स्क्वाड, अरे लेके आओ ना कभी मेरे अपोनेंट में, मैं बताता हूँ कैसा खेलते हो तुम लोग, औकात निकाल कर हाथ में दे दूंगा 2 मिनट में। बकवास करने को तो भाई लोग हजार पड़े, लेकिन मैं छोड़ो यार इन बातों में क्या ही ध्यान देना, बट मैं बस तुमको यही बताने आया था भाई, छोटे जितने भी यूजर है इनको सपोर्ट करो यार। अगर कोई बंदा अच्छा खेल रहा है तो उसके साथ ये मत करो कि तुम गलत ही करते चले जाओ। मैंने एक वीडियो बनाया था वायरल वीडियो जो ऑन यूट्यूब, वो वीडियो तुम देखो, उस पर एक बंदा मुझे क्या कॉमेंट करता है पता है तुम्हें? भाई तेरे खुद के व्यूज नहीं आ रहे तो दूसरों को क्यों टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है? अबे नूबड़े सबसे पहले तो मुझे ये बता, मतलब जिस बंदे के पास टैलेंट है, नॉलेज है, वो क्या तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग है उसके पास दे नहीं सकता क्या? उस वीडियो में मैंने 1% भी अगर झूठ बोला हो ना तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा भाई। तू कह रहा है ना ये कमेंट करके, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा भाई, समझ रहा है? इतना भरोसा है, मैं कभी भी फेक न्यूज़ फेक कंटेंट कभी नहीं बनाता। पबजी बैन को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उस पर मुझे आधे लोगों ने हेट कमेंट भेजे, लेकिन मुझे पता था एक दिन वो समझ जाएंगे भाई ये कोई हेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस पूरी वीडियो में एकदम सच्चाई थी। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने तक मेरे को ये बोला तू जो बोल रहा है और तू जो लिख रहा है और जो तू बताया वीडियो में सब गलत है, लेकिन आखिर में वही साबित हुआ ना जो मैंने कहा था, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने मन से वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सर्च करा था, सब कुछ देखा था पहले भाई ये है कि नहीं दरअसल, और जो मैंने वीडियो बनाया वही निकला, ठीक है। लेकिन नहीं, लोगों को तो भाई साहब बड़े यूजर पे भरोसा, मतलब किसी का 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर है उस पर तुम कैसे भरोसा कर लेते हो यार? वो झूठ क्यों नहीं बोल सकता? वो भी तो इंसान ही है, और एक छोटा यूजर वो भी तो इंसान ही है, मतलब झूठ तो वो भी बोल सकता है, छोटा भी और बड्डा भी, हाँ, इसमें दिक्कत की बात क्या है भाई? तो देखो यार ये चीज़ मत सोचा करो भाई, ये चीज़ बीबर लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी का छोटा सब्सक्राइबर है तो वो गलत कंटेंट देगा। तुम्हारे लिए हमेशा वो अच्छा ही करने की कोशिश करता है, और जिसको मेरी कमेंट्री वगैरह अच्छी लगती है तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट्री के वीडियो आएंगे, बिना कमेंट्री के तो देखो मैं खुद वीडियो ना तो देखना पसंद करता हूँ ना डालना पसंद करता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए बैकग्राउंड में मॉन्टेज चला करेगा कोई भी गेम का, हो सकता है पबजी का ही चले, और बैकग्राउंड में तुम्हारे लिए मोटिवेशनल स्पीच, तुम्हारे लिए हेल्प से रिलेटेड कोई वीडियो, ऐसे ही कंटेंट आएंगे इस चैनल पे। तो एंड मेरा रोस्टिंग चैनल तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, SWM बॉयज सर्च करके देख सकते हो, फिर से नाम बोल रहा हूँ SWM बॉयज,
सर्च कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। देखो और एक चीज़ और कह दूँ यार, वही लोग वहाँ सब्सक्राइब करना जो मेरे वीडियो देखे। फालतू का एक बंदे के पास दो आइडिया ना, तो भाई मेरे को, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दो आईडी से सब्सक्राइब मत करियो, एक ही आईडी से करियो भाई, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं और व्यूज कुछ बहुत कम आते हैं। ऐसा मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे को सिर्फ, भाई तू एक ही आईडी से सब्सक्राइब कर लियो, वो ही बहुत है। ठीक है ना भाई, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लिए बाय बाय भाई लोग।